क्लास फिफ्थ EBS, आपको कल पेज नंबर 30 के हमने वर्ड मीनिंग भेजे थे आपके पास, इसी की रीडिंग करवा रहे हैं। एक दिन पहले हमने वर्ड मीनिंग इसलिए भेज दिए थे जिससे कि आप थोड़ा सा देख लो, उनको लर्न कर लो, जिससे कि रीडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो आपको भी, है ना, हमें कराने में भी ना हो। मिक्स फार्मिंग बात आती है, मिक्स फार्मिंग मतलब सारा कुछ मिक्स करके उसकी फार्मिंग, खेती करना। सम फार्मर्स, कुछ किसान, हैव फील्ड्स, खेत रखते हैं, दैट आर लार्ज एनफ, बहुत ज़्यादा एनफ पर्याप्त होते हैं, टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, एज वेल एज रियर एनिमल लाइक क्लो, है ना, लाइक काउ एंड गोट्स, दिस इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग। फसल उगाने के लिए, है ना, रियर एनिमल, एनिमल पालन भी करते हैं जैसे कि गाय बकरी, दिस इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग, इसको मिक्स फार्मिंग बोल देते हैं। जैसे कि वो एक तो खेती भी कर रहे हैं और उसके साथ खेती के साथ साथ वो पशुपालन भी कर रहे हैं, एनिमल्स वगैरह वो भी ले रहे हैं, गोट है ना, और काउज हैं, है ना, बफेलो है, इस टाइप से मिक्स फार्मिंग हो गई है। अब आ जाओ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स की बुवाई होती है वो कैसे होती है। द लैंड वेयर प्लांट्स, जमीन जहाँ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज कॉल्ड फील्ड, जहाँ पे पेड़ उगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड। ओके, प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड टेंडेड टू इन फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स, प्लांट्स जहाँ पे वो उगाए जाते हैं, ओके, टेंडेड इन फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स। ऑल क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन, सारी खेती नहीं उगाई जा सकती, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, सभी टाइम पर, दे आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, वो उगाई जाती है किससे, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वातावरण, वातावरण, नेचर ऑफ सॉइल, और जो सॉइल का नेचर है, है ना, वो किस टाइप की सॉइल है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट दैट प्लेस, और उस जगह पे पानी है कि नहीं है ये भी डिपेंड करता है। ओके, तो कल्टीवेशन के लिए बहुत कई सारी चीज़ें की जरूरत होती है, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए, उसके बाद ही आप क्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन, क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन्स, सीजन पे डिपेंड होती हैं, है ना, क्रॉप्स, क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट, क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए टू ग्रो, उगाने के लिए, एंड कंप्लीट देयर लाइफ सर्कल, लाइफ साइकिल, और उसके लाइफ को, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। देयर आर टू मेन क्रॉप्स, यहाँ पे दो मेन क्रॉप्स हैं सीजन, है ना, मेन क्रॉप सीजन है इन आवर कंट्री, समर एंड विंटर, एक गर्मी का एक सर्दी का। बेस्ड ऑन सीजन्स क्रॉप्स आर क्लासीफाइड एज रबी एंड खरीफ, इसी के हिसाब से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रबी और खरीफ, रबी की फसल और खरीफ की फसल। आगे जो रबी क्रॉप्स, रबी की फसल क्या होती है, दीज क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, ये क्रॉप्स विंटर में, सर्दियों में उगाई जाती है, यानी अक्टूबर में, है ना, एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग इन अप्रैल, और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट करा जाता है, यानी काट लिया जाता है अप्रैल में जाके। द रबी क्रॉप्स इज ऑल्सो कॉल्ड द विंटर क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, ओके, या फिर स्प्रिंग हार्वेस्टेड ऐसे बोलते हैं। आगे मेजर रबी क्रॉप्स आर व्हीट, जो ज़्यादातर जो मेजर पार्ट होते हैं रबी क्रॉप्स के वो क्या है, एक तो व्हीट गेहूँ, ग्राम चना, बेली जौ, पी मटर, मस्टर्ड, है ना, यानी कि सरसों जो होती है, सरसों, मस्टर्ड। ओके, आगे आओ खरीफ क्रॉप्स, अब नेक्स्ट आता है आपका खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर यूजुअली सोन विद द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन द जुलाई, जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं वो जुलाई के फर्स्ट रेनी सीजन में ही, फर्स्ट रेन में ही बो दी जाती हैं, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, मानसून सीजन, एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, जो कि मतलब साउथ वेस्ट मानसून के हिसाब से बो दी जाती हैं, और हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, यानी सर्दी से पहले। द खरीफ क्रॉप्स इज ऑल्सो कॉल्ड
मानसून क्रॉप, खरीफ की क्रॉप को हम मानसून क्रॉप या ऑटम हार्वेस्टेड भी बोलते हैं। ऑटम हार्वेस्ट मतलब पतझड़ का मौसम होता है ना, पत्ते झड़ने लग जाते हैं पेड़ पौधों से उस टाइम। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर मिलेट्स, जैसे कि बहुत सारी खरीफ की क्रॉप्स हैं क्या, इसमें बाजरा ज्वार इनको बोलते हैं मिलेट्स, दोनों को मिला के। पैडी जैसे कि राइस है ना, पैडी राइस को बोलते हैं। मेज मक्का, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम बोलते हैं मूंग की दाल को है ना, मूंग जिसको आप दाल यूज करते हो ना वो। कॉटन सोयाबीन है ना, ग्राउंडनट मूंगफली, रेड चिलीज है ना, लाल मिर्च, शुगर केन गन्ना, टर्मरिक है ना, हल्दी इसको बोलते हो आप वो। नेक्स्ट आ जाओ, सम क्रॉप्स आर सोन, कुछ क्रॉप्स बोई जाती हैं इन बिटवीन द एबव टू क्रॉप सीजन, ओके दो क्रॉप सीजन में। दीज क्रॉप्स आर कॉल जायद क्रॉप्स, इनको हम जायद क्रॉप्स ही बोलते हैं। ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स आर ग्रोन इन जायद लाइक वेजिटेबल, वाटरमेलन, मस्कमेलन, सनफ्लावर, कुकुम्बर है ना। अब इन दो चीज़ों के बीच में जो फसल उगाई जाती हैं, जो आप कह सकते हो कि एक तरह से जायद क्रॉप बोलते हैं इनको, तो इसमें आती हैं आपकी वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, सनफ्लावर, कुकुम्बर है ना, ये सब आ जाते हैं अलग अलग। आपका वेजिटेबल सब्जियाँ होगी, वाटरमेलन तरबूज हो गए, मस्कमेलन खरबूज हो गए, सनफ्लावर सूरजमुखी होता है ना, कुकुम्बर आपका खीरा होता है, ठीक है। इसके अगर वर्ड मीनिंग आपको लर्निंग है तो लिख लेना। नेक्स्ट है वेरियस स्टेज इन फार्मिंग, अलग अलग स्टेज फार्मिंग की। प्रिपेयर सॉइल, सबसे पहले सॉइल को तैयार कराया जाता है, कैसे तैयार करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग, ओके मतलब सॉइल को लूज करना या उसको टर्न करा देना, उसको बोलते हैं प्लोइंग, जोताई इसको बोलते हो। इट इंश्योर्स, ये निश्चित करना है दैट एयर गोज इनटू द सॉइल, हवा सॉइल के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है, ओके। प्लोइंग इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो प्लोइंग होती है मतलब जोताई, उससे इम्प्रूव होती है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है ना मिट्टी के अंदर। इट ऑल्सो अप्रूट्स द वीड्स एंड किल्स देम, और उसमें से जो वीड्स होते हैं, अप्रूट्स होते हैं वीड्स एंड किल्स देम, जो अलग से जो उग जाते हैं ना अलग सी चीज़ें, इसके अलावा उसको हम क्या करते हैं जड़ से उखाड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऑक्सन और ट्रैक्टर, बैल और ट्रैक्टर आर यूज टू प्लो फील्ड्स, ओके जो ट्रैक्टर होते हैं उन्हें हम, इट्स टर्न ओवर द ब्रेक्स, सॉरी यूज टू प्लो फील्ड्स, वुडन और आयरन, हम ऑक्सन बैल और ट्रैक्टर्स यूज करते हैं फील्ड को प्लो करने के लिए, जोतने के लिए। अब वुडन और आयरन प्लो, लकड़ी का या फिर लोहे का प्लो, लोहे का हल इज यूज फॉर प्लोइंग, यूज़ कराया जाता है जोताई के लिए। इट रन्स ओवर द ब्रेक्स अप द सॉइल, ये क्या करता है सॉइल को तोड़ के उसको ऊपर नीचे कर देता है। एंड द सॉइल ऑफ द फील्ड्स इज देन लेवल, द सॉइल का जो फील्ड होता है वो क्या होता है लेवल्ड हो जाता है। दिस इज डन टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बींग इरोडेड बाय वाइंड और वाटर, ओके इसको हम, ओके स्टूडेंट्स तो ये आपका कंप्लीट होता है। दिस इज डन टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बींग इरोडेड बाय वाइंड एंड वाटर, जो आपकी हवा होती है पानी होती है इन सब से इसकी जो प्रिवेंट करना होता है फिर इसको है ना, ज़्यादा पानी ना लगे उसमें, ज़्यादा हवा ना चले जिससे कि हमारी फसल गिर जाए। तो ये आपकी रीडिंग हो गई, इसको आप और एक दो बार रीडिंग कर लेना और जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप नोट कर लेना और उसे अच्छे से लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।